तो गाइस हम हैं झाड़ेश्वर महादेव मंदिर में, चलिए अंदर रखकर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और मैं हूं अभी झाड़ेश्वर महादेव मंदिर झारसुगुड़ा में। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मंदिर का भव्य बना हुआ है बहुत ही, और बाहर में नंदी जी हैं और मंदिर में भी पूजा वगैरह चल रहे हैं। तो चलिए अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको मंदिर में क्या क्या देखने को मिलेगा बोल के। और मंदिर बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ हरियाली है, तो आप आकर यहाँ पर एक समर टाइम में भी ठंडे का एहसास कर सकते हो। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। सो गाइस यहाँ से मंदिर का व्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर नंदी जी, चलिए अंदर चलते हैं। तो ये मंदिर का व्यू है, यहाँ पर नंदी जी कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं, देख सकते हैं नंदी यहाँ पर, नंदी जी जस्ट, और यहाँ पर छोटे छोटे सीलिंग। और यहाँ पर देख सकते हो पूजा वगैरह चल रही है, चलिए आप अंदर लेकर चलते हैं। और ये मंदिर का भी है, चलिए अंदर लेकर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी का मूर्ति है, झाड़ेश्वर महादेव आओगे तब, चलिए अंदर लेकर अभी करते हैं। सो गाइस ये है मंदिर का एरियल व्यू, यहाँ पर जैसे जाओगे तो यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देवी देवता रखे हुए हैं। इसके बाद मंदिर प्रांगण है, कुछ इस प्रकार से
हाँ जैसे तो कुछ इस प्रकार से। और जैसे आप मंदिर के बाहर जाओगे तो यहाँ पर मंदिर में कुछ इस प्रकार से बैठने वगैरह का और आसपास शादी वगैरह सुविधा बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। और मंदिर का कुछ इस प्रकार से एरिया भी है। सो गाइस, मंदिर के एरिया भी आपको दिखा दिए हैं और मैं और स्टेट ब्लॉगर सर अभी घूम रहे हैं झारसुगुड़ा। तो ये झारसुगुड़ा में प्रसिद्ध मंदिर है, एक झाड़ेश्वर महादेव, और दूसरे में है दोस्तों आगे महाकालेश्वर, जो कि झारसुगुड़ा से लगभग 25 किलोमीटर से 26 किलोमीटर पड़ता है। तो आप जब भी झारसुगुड़ा आते हैं दोस्तों तो यह मंदिर घूमना ना भूलिएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ का आसपास का वातावरण बहुत ही ठंड है, तो आप समर के टाइम में भी यहाँ पर आ सकते हो, बहुत ही अच्छा मौका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। Thank you.